यस सभी को रेकॉर्डिंग का वॉइस आ गया राइट? यस सर। ओके सो सो अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। हमारा क्या बचा है? हमारा अभी टोटल आपका जो नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम उसको कुछ करेंगे, एंड आपका एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड आपका थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको करेंगे। ध्यान रखने की बात ये बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, बहुत अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको है ना इस चैप्टर में बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूलाज प्रॉपरली याद होना चाहिए। सारे फॉर्मूला जैसे कि कौन सा फॉर्मूला, आपका जो बोर्ड्स का जो मॉडल है, जो आपका फोटो इफेक्ट है, वहां से आपको प्रॉपरली टॉपिक अच्छे समझ में आना चाहिए। हर टॉपिक को प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्या होता है, आपका मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है। हमने ये देखा है कि जो जी बोले बच्चा विशाल। सर आपका जो आपने पढ़ाया था चैप्टर वो नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी? हुआ है? हो गया नो ना? सर। अभी सर शेप्स पढ़नी है हमने और साथ में यस अंकुर सर। प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा बचा है अभी। अच्छा वो बचा हुआ है। यस सर। यस ओके सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। एक काम करेंगे, आज हमने ये सिस्टम बना लिया, कोई देखो एक काम कर तो उसको भी एक बार कवर कर लेंगे प्रॉपर, कोई इशू नहीं, ठीक है ना? अच्छा हमने खत्म नहीं किया था उसको, मुझे लग खत्म हो गया था। नो सर। नो सर सर, आपको नो बोलूंगा नो बच्चों सर। का लॉन्ग टर्म से स्टार्ट होगा अच्छा, ओके 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 शेप्स ओके, का। कोई बात नहीं, कोई अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो अबव प्रिंसिपल है हम उसको एक बार देख लेते हैं। काफी सिंपल वाला पार्ट है, इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है ना? बाकी जो पार्ट होगा मैं आपको क्लास में बताऊंगा। देखो अब देखो तो अबव की बात करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल देखना क्या होता है। तो आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो भी खत्म करते, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीन प्रिंसिपल है, काफी सिंपल वाला पार्ट, ठीक है ना? ओके जो रही बात शेप के बारे में, शेप का टॉपिक मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है? ओके अब देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, अबव के बारे में, जब मैं बात कर रहा हूँ अबव प्रिंसिपल के बारे में, तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपका लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, आपका सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में क्या होगा, फिल होगा। लोअर एनर्जी लेवल में आपका फिल होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लोअर एनर्जी है, कौन सा बड़ा एनर्जी लेवल है? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम निकालते हैं किसके, उसके लिए एन प्लस एल क्यू निकालते हैं। तो जिसका आपका एन प्लस एल क्यू छोटा आएगा, जिसका आपका एन प्लस एल क्यू छोटा आएगा वो क्या होगा, उसका लोअर क्या होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब मान के सपोज करो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये मेरा 2p है एंड ये मेरा 2s है, तो किसका एनर्जी कम होगा? देखो सिंपल सी बात है, आपको n और l के निकालने चाहिए। अब देखो ये जो 2p है, आप क्या बोलोगे, n के क्या आएगा? आप बोलोगे n के 2 आएगा, है ना बच्चों? यस या नो? यस सर। एकदम देखा, ठीक है ना? अब देखो जो, अब देखो p के, अब p मतलब क्या होगा, हमने क्या देखा था, आपका वन एल्कोल जीरो वन आएगा, एकदम से आपका एल्कोल कितना, 1 आ गया। तो क्या बोलोगे आप, जब इसको ऐड कर तो कितना आएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। थ्री सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर आपका एल्कोल कितना है, यहाँ पे 2 है, इससे 2s है, जीरो और यहाँ पे एल्कोल कितना है, 0 है, जीरो तो आप क्या बोलोगे इसका, इसके क्या होगा, इसका आपका 2 आंसर आएगा, है ना? तो आप क्या बोलोगे कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगा, आप बोलोगे जो 2s है टू उसकी ऑर्बिटल क्या होगा, कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, राइट बच्चों? है कि नहीं? यस इसका मतलब क्या, सर। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका 2s ऑर्बिटल में आएगा, कहाँ पे आएगा आपका, 2s ऑर्बिटल में सबसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। समझ गए यार पार्ट? यस अब देखो ये कॉन्सेप्ट लगा के ना, अब ये कॉन्सेप्ट लगा के ना आपको है ना, ये जो नीट के कुछ पे क्वेश्चन पेपर है उसको आपको देखना है। काफी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट वाले बात नहीं है। जो हमारा बच जाएगा हम कल कर लेंगे, जैसे हम, जैसे आपने बताया बेटा कि हमारा कुछ टॉपिक बच गया है, तो हम क्या करेंगे उससे कल वापस रिविजन भी कर लेंगे, आप पूरा फुल रिविजन भी कर लेंगे उसको साथ में, ठीक है? तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके अब देखो ये इतना हमने देखा, इतना पार्ट हमने देख लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो और एक बात, ऑर्डर क्या होता है बेसिकली ना, आपको ये ऑर्डर को ध्यान देखा होगा आपने, ये बेसिक ऑर्डर फॉलो होता है, कौन सा,
वन एस का सबसे कम एनर्जी होगा, टू एस उसके बाद आपका टू एस आएगा, फिर टू पी आएगा, थ्री फिर थ्री एस आएगा, फिर आपका फोर एकदम एस सही एकदम फोर एस थ्री डी फोर फोर एस आएगा पी एंड फोर आपका फोर थ्री डी आएगा, तो लास्ट में फोर पी आएगा, इसके बाद आपका फोर पी आएगा। आप बोलो फोर एस, फोर एस के बाद उसका थ्री डी होगा, उसके बाद आपका फोर पी होगा। अगर आपने इतना भी ध्यान रखा है ना तो आप आराम से क्वेश्चन निकालोगे। अगर मान के चलो हायर ऑर्बिटल आता है, अगर आपका हायर ऑर्बिटल आता है तो क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एन प्लस, क्या करोगे आप एन प्लस एलक्यूएल निकालोगे। तो जिसका आपका एन प्लस एलक्यूएल जीरो लोअर आएगा वो क्या होगा, उसका लोअर रेंज आएगा। अब मान के चलते हैं, सपोज करो ऐसा कुछ होता है कि आपका एन प्लस एल, अगर आपका एन प्लस से क्या होता है सेम आता है, मान के उससे क्या आ गया सेम आ गया, अगर आपने एन प्लस एन किया और उसका सेम आ गया तो क्या करोगे उसका देखो एन की वैल्यू, जिसका एन की वैल्यू कम होगा, जिसका एन की वैल्यू क्या होगा लेस होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा। समझ गए बच्चा, क्लियर पार्ट समझ गए। ओके अब देखो ये वाला पार्ट हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं किसके बारे में, थ्री पी के बारे में, अगर मैं आपको बोलूं थ्री पी है आपका फोर एस है ना, ये आपके दो ऑर्बिटल मैंने बनाया। अभी आप बोलोगे इसके लिए मेरा एन क्या होगा, आप बोलोगे इसके लिए मेरा एन थ्री होगा ना बच्चों, एंड आपका पी क्या होगा, आप बोलोगे पी क्या आपका वन होगा, वन आ जाएगा है ना, वन आ जाएगा। तो मतलब क्या आपका एन क्या थ्री आ गया एंड आपका पी क्या आ गया वन आ गया, आप ऐड करो क्या आएगा आंसर, आपका आंसर फोर आ जाएगा, फोर 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 आ जाएगा। अब देखो इसकी बात करो, किसकी फोर एस की बात करो, अगर मैं आपका फोर एस की बात तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज एन कितना है आपका, एन के वैल्यू फोर है, एस के कितना है जीरो है, यस जीरो है ना बच्चों इतना। अब यस दोनों का ऐड करो क्या आएगा, आप बोलो फोर कितना आएगा, फोर आ सर जाएगा। देखो ये भी फोर है और ये भी फोर है, अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई किसका एनर्जी कम होगा, तो आप क्या बोलोगे जिसका आपका एन के वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा आपका लोअर होगा। तो आपको कितना, किसका एनर्जी कम है, आप बोलोगे थ्री छोटा है और फोर से, आप क्या बोलोगे थ्री पी का एनर्जी आपका कम होगा। डन तो बच्चे समझ गए, यस बस सर इतने पार्ट है, इतने पार्ट आपको समझना है, इतने पार्ट आपको समझना है ठीक है एक्सक्यूज मी ना। सर बोलो बच्चा केत की, हाँ बोलो केत सर की आप दोबारा बेटा, से एक्सप्लेन कर दोगे कौन सा वाला पार्ट बच्चा पूरा, ये वाला ही पूरा ओके ओके ओके। अब देखो जैसे मान के चलो केत की, सपोज करो आपको ऐसे पूछेंगे, मान के चलो एग्जाम में आपको ऐसे कुछ पूछेंगे, क्या बोलेंगे आपको, बोलेंगे फोर पी एंड फाइव एस, मान के चलो आपका ये इसको छोटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता है इसको, ज्यादा सही रहेगा तो आप अच्छे से उसको देख पाओगे। अब मान के चलो केत की, अगर आपको ऐसे बोलेंगे कि एक आपका फोर पी ऑर्बिटल है, एक आपका फाइव एस ऑर्बिटल है, फाइव एस ऑर्बिटल और एक आपका फाइव पी ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल है ठीक है ना, आपको ये बोलेंगे इन तीनों ऑर्बिटल में से आपका, इन तीनों ऑर्बिटल में से या सबशेल में से किसका एनर्जी कम होगा, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले ना एन प्लस एल क्यों निकालोगे। अब देखो एन क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो अगर मैं बात करूँ फोर पी के बारे में तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे फोर पी में आपका एन कितना होगा बच्चों, बोलो क्या होगा, फोर फोर होगा, फोर टू फोर एंड पी मतलब क्या, वन अगर पी है तो अल्कल क्या वन होगा, वन 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 टू वन आएगा। अभी केत की मैं कैसे कर पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने पहले, मैंने कल आपको बताया था अगर आपका एस होगा उसका ना जीरो होगा, अगर आप पी होगा तो आपका वन वन वैल्यू टू आएगा, डी होगा तो टू आंसर आएगा, एफ होगा तो थ्री आएगा, एफ होगा तो थ्री इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पी, यहाँ पे पी लिखा है ना, तो पी लिखा है मतलब क्या एल्कल कितना होगा, एल्कल आपका वन होगा, एल्कल कितना वन हो जाएगा। अब दोनों ऐड करो क्या आंसर आ रहा है, आप बोलो फाइव आ रहा है आंसर बेटा फाइव है ना, सिंपल यस फोर प्लस वन यस करो यस सर ये फाइव आंसर आ गया। ओके अब देखो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊं, ये वाला पार्ट किसके फाइव की बात करो, तो फाइव मतलब क्या होगा, आप बोलोगे एन क्या होगा, एन के फाइव हो फाइव जाएगा, फाइव आपका एस के क्या होगा, जीरो एस के जाएगा, तो जीरो फाइव ऐड करो जीरो क्या अगेन आएगा, फाइव आंसर आया सेम अगेन, फाइव फाइव आपका फाइव आंसर आया है ना। अब इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं एसपी की, फाइव पी की बात करते हैं,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो ये हमने देखा। ओके, अब देखो कि अब किसकी बात करते हैं, अभी हम बात किसकी बात है, तो क्या होगा, एन के कितना वैल्यू, एन का 5 वैल्यू है, पी का कितना होगा, 1 होगा, तो वैल्यू कितना होगा, 6 वन है सिक्स ना, 6 हो गया, ऐड किया 6 आ गया। अब देखो इन सब में से सबसे कम एनर्जी किसका होगा, तो आप बोलोगे फोर फोर या तो फोर का होगा, या तो 4 का होगा, या तो 5 होगा। अब देखो दोनों में से देखो, इसका भी में इसका भी 5 आंसर आ रहा है, इसका भी 5 आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, जिसका आपका एन का वैल्यू, जिसका आपका एन का वैल्यू कम होगा, क्या होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा। तो मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो 4p है उसका सबसे कम एनर्जी होगा, फिर क्या आएगा, फिर आपका 5s आएगा, यानी फिर किसका होगा, फिर आपका 5p, फिर आपका 5p आएगा। समझ गया बच्चा, केतकी यल पार्ट डन। ओके, बहुत बढ़िया। अब यसो देखो इस पे ना कुछ एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको करा दी, ये आपका नेटिव क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ। देखो यहाँ पे आया था कि कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, देखो सर अब देखो ये क्वेश्चन क्या, आपका ये क्वेश्चन आपका यसो नीट में 2019 में आया है, ये आपका 2019 में है। क्या बोला आपका, एक 4D है, एक 5P है, एक 5F है, और एक 6P है। और क्या बोला है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, मतलब क्या, जिसका एनर्जी कम होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। और पूछा है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मतलब क्या, जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा सबसे आगे रहेगा, और जिससे कम होगा सबसे कम होगा, ठीक है ना। आप, मैं आपको ये टाइम देता हूँ, आपका 2 मिनट टाइम देता हूँ, और आपको मुझे बताना है कौन सा आंसर आएगा। ओके ठीक है ना, आपको बताना है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली दिया आपको एन प्लस एल के, आपको एन प्लस एल के वाले निकालना है। सर, कर दिया है वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। और बच्चे करने दो, और बच्चों करने दो, जल्द से रहेगा, ठीक है ना, और बच्चों करने दो, कम ऑन। केतकी आ रहा है बच्चा, यसो ओके सबसे क्या करो, सबसे पहले सबकी 4D, 5P, 5S, 6P सबकी एन प्लस एल क्यों निकालो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ, अगर मैं निकाल दूँ क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे ना। अब देखो पहले कौन सा है, एक आपका 4D है, एक आपका 5P है, एक आपका 5F है, एंड एक आपका 6P है, ठीक है ना, ये आपका 6P है। अब देखो अब क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एन का वैल्यू कितना, 6 होगा, यहाँ पे आपका एन का वैल्यू 6 हो जाएगा, और आपका पी का वैल्यू कितना होगा, 1 आ जाएगा, वन है ना, 1 आ जाएगा। ओके ऐड करो क्या आंसर सेवन आएगा, आप बोलो 7, 7 सेवन आंसर है। अब देखो अब बात करो, इसकी बात करो, क्या बोला है, 5 है, तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू कितना होगा, आप बोलो यहाँ पे एन का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। एफ, अब प्लस क्या करो, अब देखो मैं क्या बोलता था, अगर आपका एस का वैल्यू 0, अगर एस होता 0 होगा, एल होगा तो 1 होगा, पी होगा तो 2 होगा, एल होगा एफ होगा तो 3 होगा, एफ 3 होगा, ठीक है ना। अब देखो एफ कितना आ गया, 3 आ गए, दोनों ऐड करो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे 8, 8 8 आ रहा है। अब देखो 8 अब आप, अब अभी आप बोलोगे 5p, तो 5p मतलब क्या, आप बोलो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना, 5 हो जाएगा, और आप पी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, 6, यहाँ पे 6 आ, 6 यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो 4d के बाद तो क्या होगा, अब एन का कितना होगा, यहाँ पे एन का वैल्यू 4 होगा, और डी कितना होगा, डी का वैल्यू 2 होगा, तो कितना आ 2 गया, यहाँ पे आ गया 6, 6 यहाँ पे आ गया 6 6 आएगा। अब देखो सिंपल सी बात यह है, किसका सबसे ज्यादा वैल्यू बच्चा, केतकी बताएंगी किसका वैल्यू ज्यादा है, बेटा केतकी किसका वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा किसका है, तो 5F 5F। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो 5F है उसकी एनर्जी क्या सबसे ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर 7 नंबर पे कौन सा बच्चा, 7th नंबर कौन सा है, 16 फिर 6 भी आएगा। अब देखो अब कौन सी बात कर रहे हैं, अब देखो इसकी बात देखो, ये इन दोनों में सेम आंसर है, ये भी 6 है, ये वाला भी 6 आ रहा है, ये वाला भी 6 आ रहा है, दोनों 6 आ रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल फोर्टी किसका एन का वैल्यू कम होगा, आप सर बोलोगे फोर्टी ये 40 है, इसका की वैल्यू फोर्टी इसके एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है ना। अगर आपका एनर्जी कम है तो क्या होगा, वो लोअर एनर्जी में होगा, किससे ज्यादा एनर्जी होगा, आप बोलोगे किसका, 6p, सॉरी 5p का आपका ज्यादा एनर्जी होगा, फिर कौन सा होगा आपका, 4d होगा, तो ये आपका ऑर्डर होगा, ये आपका ऑर्डर होगा। तो आप क्या बोलोगे, योर आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गया बच्चा, डन।
ओके देखो, तो बेसिकली ना आपको अबव प्रिंसिपल से कुछ आता है। हाँ बोलो विशाल बेटा, बोलिए बोलिए। सर इसका आंसर फर्स्ट नहीं आ सकता था? नहीं फर्स्ट, हाँ पोस्ट कैसा आएगा बच्चा, है ना? नहीं आएगा ना विशाल? देखो यस सर। क्यों, आप वहां पे देखो हायर वैल्यू कौन सा है, जिसका हायर वैल्यू उसको ज्यादा है ना, वही आंसर यस आएगा ना। एक बार चेक करो, कम ऑन, आएगा पक्का? यस सर, यहाँ पे तो लिखा है कि इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। हाँ तो डिक्रीसिंग एनर्जी मतलब क्या? ओके डिक्रीसिंग एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी कम की बात करें, डिक्रीसिंग एनर्जी ऑर्डर बताना, जो आपका सबसे कम वैल्यू होगा वो कौन सा आएगा। देखो हाँ सही तो लिखा है, प्रॉब्लम क्या है यस सर। ना, सही तो लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा, ठीक है। सिंपल आप सिंपल सी बात है, आप एन के एन प्लस एल निकाल लो, जिससे कम होगा वो उस तरह आंसर आएगा, है कि नहीं? डन। यस सर। ओके तो हाँ बोलो केत की, डन ये वाला पार्ट समझ गए? ओके यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही किया है। फाइव का, ओके फाइव का 8 आर, उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, तो डिक्रीज मतलब क्या, ऑर्डर कम आना चाहिए आगे से, मतलब कि ज्यादा से कम होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज मतलब क्या, कम से ज्यादा होना चाहिए, है ना? अगर बोलो यस डिक्रीज मतलब क्या, ज्यादा से कम आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है? ओके इतना हमने देखा, सर। ओके इतना हमने पार्ट कर लिया, ठीक है ना? ओके अब देखो ये वाला पार्ट हमने कर लिया, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आपका अगेन वो भी आपको सिखा दूंगा, कौन सा पार्ट बता दूंगा इसके बारे में, हमारा जो आपका हुन सुरुल है ना, हुन सुरुल है, पता है आपको हुन सुरुल के बारे में बच्चों, पता है कि नहीं यस पता? सर। यस सर। ओके यस सर। अगर देखो यस अगर सर। मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे जो हुन सुरुल है, जो आपका हुन का जो रूल है वो क्या कहता है बच्चों, वो क्या कहता है, वो ये बोलता है कि द हुन वो आपका मैक्सिमम क्या बोलता है, डिजोन ऑर्बिट की बात करता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ऑर्बिटल होगा जो आपका, और जो आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होगा सबसे, ऐसा देखो अगर मैं बात करता हूँ ये मेरा ऑर्बिटल है, सपोज करो ये मेरा पी ऑर्बिटल है, पी में क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका तीन वर्ड ऑर्बिटल है, कौन सा आएगा, एक आपका पी एक्स आएगा, है ना बच्चों, एक पी एक्स होगा, पी वाई पी जेड आएगा। तो हुन ने क्या बोला, हुन ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा सबसे कैसा होगा, सबसे पहले वो सिंगल सिंगल कैसा होगा, वो आपका सिंगल सिंगल पैर होगा, मतलब क्या, पहले ऐसा पैर होगा, फिर आपका ऐसा आएगा, फिर आपका ऐसा आएगा, है ना? वो कभी ऐसे कभी नहीं हो सकता, देखो वो कभी ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसा बना तो वो कभी ऐसा नहीं आएगा, वो कभी ऐसा ऐसा नहीं आएगा, दूसरा कौन सा भी नहीं आ सकता, आप क्या बोलोगे, वो कभी ऐसा नहीं फील होगा, ओके वैसा फिल नहीं होगा, मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको तीन इलेक्ट्रॉन फिल करना है या चार इलेक्ट्रॉन फिल कर, कैसे कर फिल होगा, सबसे पहले आपका सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा अप स्पिन पे, फिर क्या होगा, फिर आपका डबल डबल फिल होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको एन अगर आपको फाइव इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आपको फाइव इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो क्या करोगे आप, क्या बोलोगे आप, ऐसे करोगे, देखो ऐसे किया मैंने, अब कैसे होगा, सॉरी मान के चलो पी पी की बात कर रहा हूँ, पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा आप क्या बोलोगे, देखो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, चौथा पांचवा, चौथा एंड पांचवा, तो क्या होगा, ये इसका ऑर्डर होना चाहिए, ये इसका ऑर्डर होता है, ये क्या आपका हुनसुल बोलता है, हुनसुल क्या बोलता है, जो पेयरिंग होगा क्या बोलोगे, द पेयरिंग टेक प्लेस ओनली ईच अदर, मतलब के पहले कैसे होगा आपका, सबसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर आपका डबल, फिर आपका डबल डबल इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहता होगा, समझ गया बच्चा पार्ट, सारे बच्चे? यस ओके सर। तो इतना हमने क्या देखा इसके बारे में, हुनसुल के बारे में, क्या देखा इसको, हुनसुल के बारे में देखा। देखो सिंपल सी बात है, उसका मतलब समझो, उसका डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर होगा फिलिंग कैसे होगा, सबसे पहले पहले सबसे सिंगल से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर आपका डबल डबल पेयरिंग होगा, ठीक है बच्चों, पहले सिंगल यस होंगे फिर आपका डबल आएगा, ये हमने इसके बारे में बोला था ना। अब एक और एक टाइम आता है आपका, एक हम बोलते हैं पॉली के बारे में, पॉलिस के बारे में, पॉली, तो पॉली ने क्या बोला था बच्चों, कोई बता पाएगा मुझे पॉली ने क्या यस बोला सर। था, बोलिए बच्चा बोलिए। हाँ सर ट्राई करो, कोई मत, ट्राई करो ट्राई करो, नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स सेम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स।
ये तो मतलब बोलते हैं पूरा जो बुक में लिखा है उसके बारे में बताते हैं। पॉली ये कहता सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं कि पॉली का सिंपल वे में क्या है। हाँ बोलिए बच्चा दिग्विजय। हाँ बोलिए। एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। एकदम सही, ये एकदम बोलते हैं ना इसको, एकदम सरल भाषा में बोला तो मतलब क्या, पौर्णय ये बोला कि जो और जो आपका ऑर्बिटल है, जो आपका ऑर्बिटल है सबसेल है, एक सबसेल के अंदर आपका कितना होगा मैक्सिमम, क्या होगा आपका मैक्सिमम कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। क्या होगा आपका मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा कैसा होगा, उन सबका दोनों का ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपका ऐसा है दूसरे कैसे होना चाहिए, दूसरा ऐसा ही होना चाहिए। ये एक सही मेथड है, हम उसके पैसे ऐसे ले सकते हैं। देखो क्या भी उसको ऐसे या ऐसे नहीं ले सकते, ये रॉन्ग मेथड है। तो ये बेसिकली पॉलिनी क्या था, तो पॉलिनी क्या बोला था, द ऑर्बिटल कैन ऑक्यूमेट मैक्सिमम ऑफ ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा उनका ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। समझे सारे बच्चे, कल पार्ट डन। यस केतकी नीतू बाकी सारे बच्चे समझ में, वाला पार्ट डन। सर। अब देखो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन बारे में देखते हैं, ये आपका 3 रूल पढ़ा है, कौन सा, एक अबो के बारे में, एक हुंस के बारे में, एक आपका पौरी के बारे में। तो अबो ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल कैसा होगा, सबसे पहले लोअर एनर्जी होगा, फिर आपका हायर एनर्जी फिल होना स्टार्ट होगा। हुन ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा कैसा होगा, सबसे पहले ऑर्बिटल में सिंगल कैसा होगा, सबसे सिंगल, पहले सिंगल पॉइंट सिंगल होंगे, फिर आपका डबल डबल ऑक्यूपाई होगा। पॉल ने क्या बोला कि एक सबशेल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और उनका दोनों का ऑलवेज ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट। होना चाहिए। एकदम सही, तो ये आपने सही बोला, ठीक ना। अब देखो इसी पे ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बताता हूँ, ठीक है ना। दूसरे देखो चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा यस है। अब देखो यस बच्चा, सर। जी बच्चा अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा, कम ऑन। ओके अर्चना बेटा प्लीज पढ़िए, अर्चना बेटा पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू जीरो। एन ऑर्बिटल इज डेसिग्नेटेड बाय थ्री क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय फोर क्वांटम नंबर्स। द ओके ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 एंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर dz2 इज जीरो। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग आंसर आएगा, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो अभी हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका फील होगा जब भी, क्या जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे देखो ये किसने नाइट्रोजन बोला है, तो नाइट्रोजन एटम में क्या होगा, CO7 होगा, तब क्या बोलोगे, यस होता ना। तो ये 1s ऑर्बिटल है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, आपका 2p ऑर्बिटल है, ये हमने देखा था। अब देखो एस मतलब क्या, सबसे इलेक्ट्रॉन ऐसा फिल होगा, पहले अप स्पिन फिर डाउन स्पिन, फिर आपका 2s में जाएगा, फिर आपका अप स्पिन फिर डाउन स्पिन, फिर कैसा होगा, फिर आपका सिंगल सिंगल फिल होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या, यहाँ पे तो पहले डाउन स्पिन रखा है, यहाँ पे तो पहले डाउन स्पिन, तो क्या होगा ये आपका रॉन्ग आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस ऑर्बिटल, हमने क्या देखा था एस के लिए आपका एलिगोर कितना आता है, एस के लिए आपका जीरो जीरो आता है, तो वो तो सही जीरो लिखा है, वो तो सही लिखा है। हमने क्या देखा, जो आपका द ऑर्बिटल्स हैं, जो आपका ऑर्बिटल्स है वैसे ही आपका थ्री क्वांटम से डील करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आपका वो आपका चार, ये भी सही है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। हमने क्या देखा, ये वाला पार्ट, अब देखो ये वाला पार्ट ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है, देखो मैंने आपको कहते हैं कल क्लास में क्या बोला था कि अगर आपका जैसे मैं बोलूँ पी एक्स है, पी वाई है एंड पी जेड है, मैंने आपको क्या बोला था, आपको मैंने ये बोला था कि इसका एंगल क्या होगा, आप बोलोगे -1 0 और 1 +1 है ना, आपको मैंने ये बोला था, ये बोला था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या होता कि ये आपका पर्टिकुलर वो सेम वैल्यू नहीं हो सकता, कोई वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये आपके यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू दे दी गई है। तो अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर राइट करना है कि वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ना शायद अभी नहीं, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब शायद आपको बताएंगे आपको कि ऐसा नहीं होता करके, लेकिन अभी के लिए आपको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा समझ गए। अब देखो क्योंकि यस ये आपको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा एकदम, इतना तो जो कल का नोट था उसके बाद देख लेना तो सही है, ठीक है ना। देखो अब बताओ बच्चों क्या क्वेश्चन हार्ड है, ये वाला पार्ट क्या क्वेश्चन हार्ड है, इजी सर। इजी राइट, इजी है। तो देखो इतना टॉपिक था, और एक हमारा टॉपिक बच्चा आपका कौन सा, क्या स्क्रीन इफेक्ट के बारे में,
तो ये जो टॉपिक, तो तो वो मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि कल हम रिविजन करेंगे तो आपका वो वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, बेसिकली बच्चों मैंने क्या बोला था आपको, आपको इतना फॉर्मूला प्रॉपरली याद होना चाहिए, इतना प्रॉपर फॉर्मूला प्रॉपरली अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। क्या देखा यहाँ पे देखो बच्चों, एक रिवर्स को इक्वेशन आना चाहिए आपको, और अगर बोर्ड में जितने भी इक्वेशन है, बोर्ड में आपको कौन जितने भी क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपरली आने चाहिए, तो अगर आएगा तो आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। एक कौन सा, एक आपका फोटोइलेक्ट्रिक वाला, कौन सा आइंस्टाइन ने दिया था एक क्वेश्चन, ये आपका आइंस्टाइन यस क्वेश्चन था, एक आपका डी ब्रोगली, एक आपका हाइजेनबर्ग था, ठीक है हाइजेनबर्ग, ठीक है ना। अब देखो चलो इसको लेकर ना, अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको लेकर भी करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2+ INS 105.8 पिकोमीटर, हाँ पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन, ये क्वेश्चन बोला है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा रेडियस यहाँ पे बोला है, रेडियस बोला है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर एन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो बच्चों, 0.529 इनटू क्या होगा, एन एल स्क्वायर स्क्वायर बाय अपॉन जेड जेड, है ना। हमने ये देखा, हमने ये देखा। अब यहाँ पे बोला क्या है, जो रेडियस है क्या आपका हीलियम का इतना है, इतना आपका दे दिया था, क्या उन्होंने बोला है, जो हीलियम, अभी हम किसकी हीलियम की बात करते हैं, यहाँ पे मैं हीलियम की बात करता हूँ, तो क्या उन्होंने बोला है, जो हीलियम है उससे क्या होगा, उसका जेड वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आपका क्या बोला सेकंड ऑर्बिट, मतलब क्या एन के वैल्यू कितना होगा, आपका एन का वैल्यू भी आपका 2 हो जाएगा। डन बच्चा, सही है, डन। यस सर और उन्होंने क्या, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला है कि जो आपका रेडियस है दैट इज ऐसा, दैट इज, आप क्या बोलोगे, आपको इक्वेशन बनाना है, तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऐसा बनाओ दैट इज डी डी, डी डी मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो बच्चा आप, अच्छा आप आंसर बोल रहे हो, यस सर आंसर डी, एक बार चेक करते हैं, ओके आ रहा है, एक बार चेक कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं, तो देखो ओके अभी आपका पिकोमीटर में, ये आपका किसमें दिया, आपका पिकोमीटर में दिया है। अब देखो पिकोमीटर कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, सेम ही फॉर्मूला होता है लेकिन थोड़ा उसमें पावर ऐड होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमने देखा, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 105.8 उसका रेडियस है, उसका रेडियस है, और क्या बोला एन कितना बोला आपको, बोला है एन आपको बोला किससे, कितना बोला आपका 2, तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर आएगा, एंड जेड क्या आपका, जेड आपका 2 है ना, इसको लिखा। अब देखो क्या बोला आपका थर्ड ऑर्बिट के बारे में, क्या बोला आपको, बोला है थर्ड ऑर्बिट के, बोला है थर्ड ऑर्बिट मतलब क्या, आप ये बोलोगे ना, अगर आप बोलता मैं, अगर मैं बोलता लिथियम के बारे में तो क्या होगा, और आप बोलोगे रेडियस ऑफ लिथियम क्या होगा इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होगा इक्वल टू एन स्क्वायर, कितना आपका थर्ड थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो आपका एन का वैल्यू कितना 3 आ जाएगा, और आपका जेड कितना होगा आपका ऑब्वियसली वो भी आपका 3 आ जाएगा। आप क्या बोलोगे, आप करोगे यहाँ पे 3² / 3 होगा बच्चों, यस या नो, है ना। यस आप क्या करो, आप है ना दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर लो, मान के चलो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं देखो रेडियस ऑफ लिथियम रूप से होगा, आप बोलोगे 9/3 डिवाइड बाय, मैंने क्या किया उसको डिवाइड किया किससे, इस सेकंड इक्वेशन से, कौन सा होगा 105.8 इक्वल टू क्या होगा 4/4, सॉरी 4/2 इसको करना है। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो इसका आंसर कैसे करो, देखो सिंपल सी बात है, इट इज अप लिथियम अपॉन 105.8 इक्वल टू 9/3 इंटू 2/4, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, करो इसका आंसर क्या, क्या आंसर था चेक करता मैं एक बार प्रॉपरली, एक बार चेक करता हूँ मेरा आंसर आएगा 105.8 इंटू 9 × 2/4 एकदम से, तो मेरा आंसर आ रहा है, मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर आ रहा है 158.7 पिकोमीटर, ये मेरा आंसर आ रहा है, क्या सबका आंसर आ रहा है बच्चों, यस या नो। यस तो देखो आपको ना बेसिकली इसी पैटर्न फॉलो करना है, बेसिकली आपको इसी पैटर्न फॉलो करना है, देखो यही सेम क्वेश्चन,
ये आपका सेम क्वेश्चन आपका कल का, कल जो आपका जेडब्ल्यू एग्जाम हुआ था सेम क्वेश्चन वहां पे आया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये दिख रहा है, यस सर, ये यस देखो यस सेम कॉन्सेप्ट, ये आपका जेडब्ल्यू में, ये आपका जेई के अंदर आया था 25th को, सॉरी 29 को आया था क्वेश्चन, ये जेडब्ल्यू क्वेश्चन है आपका। देखो सेम वही फॉर्म लगाना है। ओके बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। अब देखो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका आंसर आंसर निकालते हैं। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उस सेम उसके जैसा ही है। देखो फॉर्म में क्या बच रहा है इसका, आप ये बोलोगे ना दैट इज आर एन इज आरएन इक्वल टू 0.5, 0.529 इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होगा। यस ओके रितिका बेटा समझ रहे हो ना रितिका? ओके रितिका समझ रहे, ध्यान समझ रहे। देखो ये बोला है, आप क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पहले किस किस बात को, किसे लिथियम की बात करो, तो लिथियम क्या बोला है, लिथियम का रेडियस कितना है, उसका रेडियस एक्स है, एन कितना होगा, एन आपका टू होगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोला है आपका सेकंड ऑर्बिट बोला है। जेड क्या होगा, जेड आपका थ्री हो जाएगा, राइट बच्चों, कैसे नो यस कितना होगा। तो ये मैंने किससे लिखा है, मैंने ये लिखा किससे, लिथियम के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो किससे, बेरिलियम के, तो क्या होगा आप बोलोगे रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस क्या होगा इक्वल टू, अब देखो सेम फॉर्मूला अगेन 0.529 इनटू एन क्या होगा, आप बोलोगे एन कितना आपके थर्ड, क्या बोला थर्ड, तो क्या होगा एन इक्वल टू थ्री हो जाएगा, एन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब जेड क्या होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, आप बोले फोर होगा बच्चों, सर, है कि नहीं। यस सर, अब देखो अभी अगर मैं देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो कॉन्स्टेंट है, ये जो कॉन्स्टेंट है हम इसको भूल जाते हैं, ये क्या है भूल जाते हैं, क्योंकि तो सेम वैल्यू है, तो क्या होगा जब इसको डेड के तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मूला तो क्या होगा आप बोलोगे दैट इज रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस क्या होगा इक्वल टू, आप बोलोगे 3 स्क्वायर बाई 4 होगा, एन स्क्वायर बाई यस फोर होगा, ये होगा। सर, डिवाइड करता हूँ क्या होता है, डिवाइड करता हूँ किससे, इस वाले टर्म से। अब क्या बोला है आपको, आपको ये बोला है द रेडियस ऑफ लिथियम कितना एक्स है, तो यहाँ लिखा मैंने एक्स, क्या लिखा मैंने इसको एक्स लिखा इक्वल टू, वहां पे एन कितना है, वहां पे आप बोलोगे एन के टू है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर क्या बोलोगे 3 है, जिसको मैं 3 दिया। अब देखो इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई कर दूंगा, इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई कर, तो क्या आंसर आएगा आप बोलोगे रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस अपॉन एक्स इक्वल टू 9/4 डिवाइड बाई 4/3 होगा बच्चों, होगा यस सर, होगा ना, ये पार्ट सारे बच्चे। यस ओके अब देखो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना दैट इज आर रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस डिवाइड बाई एक्स क्या होगा इक्वल टू 9/4 इनटू, देखो ये डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जो क्या होगा आप बोलोगे 3/4, ये आपका 3/4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या होगा आप ये बोलोगे दैट इज रेडियस ऑफ बेरिलियम डिवाइड बाई एक्स क्या होगा 9/27 27/16, आप ये बोलोगे, आप क्या हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो एक्स को ऊपर लेके जाओ, एक्स को ऊपर लेके, तो क्या होगा आप बोलोगे इसका आंसर आ जाएगा मेरा रेडियस ऑफ बेरिलियम क्या आएगा, आप बोलोगे 27/16 x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट मैंने कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया, जब भी आपको दो इक्वेशन यस देंगे, जब भी आपको दो दो इक्वेशन देंगे तो क्या करना, आपको एक वाले को रखना है, दूसरे को प्लॉट करना है, फिर आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, हमको आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगा। समझ गया बच्चों, डन ये पार्ट। सर, अब देखो बेसिक कौन सा ऑप्शन है इसे? एक्चुअली इसका ये जो ऑप्शन है इसमें रॉन्ग दिया है, एक्चुअली पहला ऑप्शन आता है जो पहला ऑप्शन, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए दैट इज 27x/16, ये आंसर होना चाहिए लेकिन दिया नहीं था, तो ये राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, ओके ओके बच्चे बेटा आप जा सकते हो, जाओ आप चले जाओ, ठीक है ना, आपकी तबीयत खराब है, जा सकते हो, ठीक है, थैंक ओके यू, बाय बच्चा, बाय बाय, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट, रुशिल, केतकी, श्रुति, यस आंचल, सर, यस सर, ओके ना। देखो तो एग्जाम में ना इस टाइप क्वेश्चन, इस एग्जाम में का इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, किसमें आपका इस एग्जाम में। देखो सिंपल सी बात, आपका बोर का जो मॉडल है उसका को प्रॉपरली आपको आना चाहिए, अगर आप वो कर लोगे तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ आपके कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे।
नेटवर्क इशू हो रहा है कारण क्लास कट जा रही है, कट क्लास कट हो रही है। अच्छा नेटवर्क इशू आ रहा है क्या बच्चा? कोई बात नहीं, आप ट्राई करो देखने की, तो आप क्वेश्चन को रिफर करना ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ देखो अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, येलो पार्ट। ओके येलो पार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप बच्चों आपको? यस सर, ओके तो ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे? हाँ नहीं बेटा प्लीज पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़िए बच्चा कौन। पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्स, द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो रेडिएशन, रेडियो रेडिएशन रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमिटर इज स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 m/s, ओके ठीक ए टू एंड है ठीक है ओके थैंक यू ओके ओके ठीक है ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको है ना, क्या बोला आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे दी आपको नहीं, वेव निकालना। अब देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा कौन सा, हमने पढ़ा दैट इज लैम्डा क्या होता आपका, आप ये बोलोगे ना, आप ये बोलोगे दैट इज लैम्डा इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, पढ़ा था ना ये हमने देखा था, यस ये हमने पहले क्लास में देखा था। तो क्या होगा, कुछ नहीं आपको लैम्डा निकालना है। अब सी का वैल्यू कितना दिया है, कितना 3×10^8। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी बोला आपका 1368 × kHz, ये आपका किलोहर्ट्स बोला है, किलो मतलब क्या 10^3 हर्ट्ज, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपको नीट पूछा है, तो बेसिकली आप वो क्या चाहते हैं, वो आपको सॉल्व क्या चाहते हैं, जब आप 3 को 1 3 6 से डिवाइड करो तो आपको क्या आंसर आएगा, आपको वो देखना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। देखो सब ये वैल्यू, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी आपका सबका सेम है, तो शॉर्ट आपको करना पड़ेगा, आपको 3 को 1 3 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी हाथ से, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे प्लीज करो इसका आंसर मुझे बताओ। सेम ये फॉर्म देखो कितना सिंपल फॉर्मूला, ये आपका नीट में 2021 से पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने हाथ हैंड से निकल इसका आंसर क्या आएगा, कौन बच्चों कम ऑन। ट्राई करो बच्चों, देखो बेसिकली इसका आंसर क्या बी है, इसका आंसर क्या बी है ठीक है ना, इसका आंसर बी आ रहा है। अब देखो अभी हमारे जैसे आपके पास आप सभी कर रहे हो क्वेश्चन, डिवाइड कर रहे हो उसको, यस सर, यस सर, ओके डिवाइड करो डिवाइड करो, कम ऑन जल्दी करो, बढ़िया। एकदम से रुशिल, रुशिल बेटा एकदम से आ रहा है। देखो जब आप है ना 3 को 1 3 8 से डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 0.00219, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा इनटू। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 3, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 8 है इनटू पावर क्या होगा, -3 हो जाए तो क्या होगा, आप बोलोगे 10^5 आ जाएगा, तो क्या होगा इनटू 10^5 क्या होगा, 5 करो। अब देखो 5 बोला मतलब क्या, जब हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड हो जाते हैं आपका पावर डिक्रीज होगा। देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो 5 पॉइंट आपको 5 पॉइंट आगे बढ़ाने दो, क्या होगा देखो सिंपल सी बात, देखो पॉइंट यहाँ पर है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 एंड 5, तो क्या होगा जैसे मैं 5 पॉइंट गया तो क्या होगा, ये 5 हट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 219.2 मीटर, ये आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा, डन यस यस। सर, यस सर, देखो ओके क्या क्वेश्चन हार्ड था बच्चों, ये वाला पार्ट इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है ना, यस सर, यस सर। देखो सिंपल। सर, अगर हम डेसिमल को 3 डिजिट तक शिफ्ट करें तो हमारा आंसर 2.192×10^2 आएगा। ओके अगर मैं क्या कहता हूँ कितना करता हूँ मैं, 3 डेसिमल कितना कर रहा हूँ बच्चा, मैं 3 कर रहा हूँ ना। हाँ प्रीति क्या बोल रहे हो आप, 3 डेसिमल पॉइंट ना। ओके देखो अगर आप 3 डेसिमल क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो, देखो आप ये बोल रहे हो 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा 2.19 × 10^5 कितना, 5 से 3 घटा तो कितना आएगा, इतना आएगा, इतना आंसर आ रहा है, ये आपका इतना आंसर आएगा, ये आपका मीटर में आंसर आएगा, ये आपका मीटर में आंसर आएगा यस सर, ठीक है ना।
तो आपको और चाहिए तो क्या करा, मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझिए सारे बच्चे, डन? सर ओके ओके यस सर ओके। तो हमने ये क्वेश्चन तो हमने कर यस लिया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कल है ना विशाल तो चली गई, आई थिंक विशाल ने कल ये क्वेश्चन पूछा था मुझे, आप प्लीज इसका आंसर बताइए, कम ऑन। क्वेश्चन ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन द विजिबल रीजन, कौन सा आपका विजिबल रीजन में फॉलो करता है, कौन सा आपका ट्रांजिशन, आपका क्या आंसर है बच्चों? सर डी सर एकदम सही, डी बाल बालमर्स। तो मर्सिडीज हमेशा ध्यान रखना, एकदम सही, तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना। अब देखो जो आपका लेमन है, जो आपका लेमन है वो आपका यू में आता है, वो आपका अल्ट्रावर्ड अल्ट्रावर्ड में आता है। जो आपका बाल्मर है, जो आपका बाल्मर है वो आपका आता है विजिबल में, वो आपका विजिबल में आएगा। और जो पैशन है, पैशन है एंड जो आपका ब्रैकेट है, पी ब्रैकेट सीरीज है एंड जो आपका पी फंड सीरीज है, पी फंड, ये क्या, ये आपका आईआर, ये आपका इंफ्रारेड, ये आपका फंड इंफ्रारेड में आते हैं। समझिए बच्चा, डन? यस, सर बहुत बढ़िया, यस सर ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस सर ओके। तो हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कर लिया है ना, ये भी हमने कर लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके ये वाला पार्ट तो देखो, अगेन क्वेश्चन क्या, ये आपका पूछा आपका नीट 2017 में, ये आपका सर नीट 2017 में पूछा है, क्या बोला यहाँ पे, विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो कौन सा रॉन्ग बोला है, कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग 2 से 3 मिनट टाइम लीजिए और इसका आंसर मुझे खुद बताइए। देखो ये जो अनस्टडी प्रिंसिपल था, ये तो मैंने आपको क्लास से कराया भी था, जो बच्चे आए थे राइट, ये मैं कराया भी था आपको, है ना। यस सर तो सबसे पहले ना आप सारे ऑप्शन ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कौन सा इनमें से आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, जल्दी बताइए, कम ऑन। ओके सी बोला, ओके वेरी गुड बच्चा, एकदम सही। और बच्चे शगुन, केतकी, शालिनी, रिश्का, ओके सी एकदम सी आंसर आएगा बच्चा। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा था, ये तो आपका डी ब्रोगली क्वेश्चन है। एच क्या है, एच का प्लैंक कांस्टेंट है, एम क्या आपका मास है, वी क्या आपका वेलोसिटी है, तो ये तो सही वाला पार्ट है, ये तो सही है, ये तो आपका आपका सही आंसर है। और हमने क्या देखा था, मैंने आपको क्लास में बोला था आपका कौन सा हाइजेंबर्ग, तो मैं क्या बोलता आपको, ये इक्वेशन ऐसा होता है, दैट इज डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है, ये मैंने आपको बोला था। फिर आपको क्या बोला था, मैंने ये भी बोला था, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m के बराबर होगा। ये क्या आपका डेल्टा एक्स आपका अनसर्टेन पोजिशन है आपका, डेल्टा वी क्या आपका अनसर्टेन वेलोसिटी वाला पार्ट है। और मैं आपको ये बोलता, ये तो हमने इससे पार्ट देखा, जब आपका एनर्जी वाला पार्ट, मैं आपको ये बोलता कि जो आपका डेल्टा ई है ये क्या आपका अनसर्टेन एनर्जी एंड डेल्टा टी क्या आपका अनसर्टेन टाइम क्या होगा, ये भी आपका ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर हो, तो ये भी है आपका डी ब्रोले इक्वेशन आता, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमने ये हमने कल ही पढ़ा था, दैट इज हाफ फिल्ड एंड आपको जो फुली फिल्ड है क्या होगा, 2 सेकंड को बचा, 2 सेकंड को प्लीज, 2 सेकंड को, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस ओके सर अब देखो जी बच्चा, तो हमने क्या देखा, जो आपका फुली फील्ड है एंड हाफ फील्ड क्या आता है आपका, दे हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, है ना, एंड क्या होगा उसमें सिमेट्रिक बेटर होगा एंड क्या होगा मोस्ट बैलेंस, क्या होगा आपका मोस्ट अरेंजमेंट होगा, तो ये भी सही वाला पार्ट सही है, ये भी आपका सही है। अब देखो सर ऑप्शन सी, देखो क्या लिखा है आप ऑप्शन सी में आपका, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑफ इन केस ऑफ हाइड्रोजन,
अब देखो सिंपल सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन में आपका खाली आपका 1s1 होता है, आपका वन वन एस एस सर वन होता है। वहां पे आपका 2s या 2p तो आता ही नहीं है, यहाँ पे तो 2s बोला 2p बोला है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो आपका रॉन्ग हो गया है ना। मान के चलो यहाँ क्या होता आपका, मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन ना होता, हाइड्रोजन होता, मान के चलो क्या होता आपका, सपोज करो नाइट्रोजन हिल होता, या नाइट्रोजन होता, या आपका लिथियम होता, या बेरिलियम होता, ये सब सॉरी मतलब कि जो टूपी में आता, जैसे आपका बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तब आपका सही आंसर रहता, तब सही था। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बोला है, तो हाइड्रोजन तो 1s1 ही होता है, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ये मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। हीलियम होता तो भी सही होता। नहीं बेटा हीलियम भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि हीलियम में तो आपका क्या है, वन एस टू यस है, वन एस टू है ना, हीलियम का तो 1s2 होता है कि नहीं, तो वहां पे आपका रॉन्ग आंसर है, तो वो भी आपका। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? डन। यस यस अब सर ओके बच्चे देखो, तो अभी तक हमने जितना देखा, हमने क्या ये हार्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बेसिकली नो आपको आपको बेसिकली जितने फॉर्मुलेस याद है ना, उस फॉर्मुले को प्रॉपरली देखो और उसके बार बार रिविजन करो, उसके बार रिवाइज करो, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपका आंसर पक्का आ जाएगा। समझ गए? डन। यस सर सब यस ओके यस सर ओके, अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं। यस सर ओके, तो ये आंसर कौन बताएगा? बहुत इजी क्वेश्चन, क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल विच इज एन इक्वल टू 3 एंड एल इक्वल टू 1। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा है, सर सिक्स इसका सर सिक्स सिक्स आएगा पक्का। सर सिक्स यस ओके ओके, बाकी बच्चों प्लीज आप थोड़ा बताइए, आप भी ट्राई करिए, कम ऑन बाकी बच्चे। सर अब देखो अभी जगदीश ने उन्होंने सिक्स कैसे बोला, ध्यान दो बच्चे, दो सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं बोल रहा हूं मैं एन क्या 3 है, तब क्या बोलोगे, ये आपका 3 लिखा मैंने, अब देखो क्या बोला आपका, एल इक्वल टू वन, मतलब देखो एस मतलब क्या होता है, 0 होता है, एल मतलब पी मतलब क्या होगा आपका, 1 होगा, वन 1 होगा। वन अगर आपका एल इक्वल 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो आपका पी ऑर्बिटल होगा, वो आपका पी ऑर्बिटल होगा है ना, वो आपका पी ऑर्बिटल होगा। तो जो बेसिस जो 3p हो क्या होगा आपका, जो आपका p ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा आपका, 3 सबसे होगा, कौन सा, एक आपका 3px, एक आपका 3px होगा, एक आपका 3py होगा, एक आपका 3pz होगा जेड है ना। अब देखो एक सबसे में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठा, तो क्या आपके कितने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ गए बच्चे? डन। यस तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन इसी से आते हैं, एंड आपको प्रॉपरली किसी को समझ के आंसर निकालना है। डन बच्चा, समझ गए? यस यस सर बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया। ओके ये वाला पार्ट देखो, ये आपका बेसिक ना जेड ने पूछा है, ये आप बेसिकली जेड ने पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर एक्सियल ऑर्बिटल। एक्स मतलब क्या, देखो आपके दो टाइप के ऑर्बिट होते हैं, एक बोलते हैं ऑर्बिटल्स, बच्चा ध्यान समझना ये पार्ट, ध्यान समझना, ऑर्बिटल्स लाई ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एंड ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ये दोनों मतलब क्या है, ये दोनों मतलब क्या है। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ऑर्बिटल है वो आपका एक्सिस के ऊपर लगेगा, तो उसका मतलब क्या होता है, सपोज करो मैं आपको ऐसा बना रहा हूँ, सपोज करो ये मैंने आपको ऐसा बनाया, ये मेरा एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं किसी ऑर्बिटल को ऐसा ड्रॉ कर, देखो अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर, देखो ऐसा मैंने बनाया, तो इससे क्या बोलूंगा, मैं इससे बोलूंगा ये कैसा मैंने डबल बनाया, तो क्या आप क्या बोलोगे, ये मेरा px है, ये मेरा क्या है, px ऑर्बिटल है ना बच्चों, है पीएक्स ना, px होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये हम क्या बोलेंगे, ये आपका ये जो ऑर्बिट है px, ये क्या होगा, ये था इट इज लाई ऑन द एक्सिस, मतलब क्या, ये एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अगर मैं ऐसे बनाता, सपोज कि मैं ऐसे बनाता, मैं ऐसे बना, देखो ऐसे बनाता, तो ये क्या होता, ये पी वाई होता। आप क्या बोलोगे, जो पी वाई है वो क्या होगा आपका एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका पी एक्स होता है, जो पी वाई होता है, और पी जेड होता है, एंड आपका जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, ये जो ऑर्बिट है क्या करते हैं, ये एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अब देखो अलॉन्ग मतलब क्या होता है बच्चों, अलॉन्ग मतलब क्या होता है, सपोज करो मैं ऐसा बना रहा हूँ, सपोज करो मैं ऐसा बना रहा हूँ,
मैं बना रहा हूँ डीएक्सओ, क्या बना रहा हूँ मैं डीएक्सओ बना रहा हूँ, तो क्या होगा ये ऐसा बनाओ, देखो ध्यान दो, ध्यान देना समझ के, तो डीएक्सओ में कैसे बना रहा हूँ, देखो ऐसा बनाऊंगा, ये मैंने बनाया एंड ये ऐसा मैंने बनाया। यस सर, यस अब सर, देखो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल आपका, ये दोनों एक्स के बीच में, देखो ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है, और क्या है जो ऑर्बिटल वो आपके दोनों के बीच में है, ये आपके जो ऑर्बिटल वो आपके दोनों के बीच में है, हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, अलोंग, क्या बोलेंगे उसको, अलोंग द एक्सिस बोलेंगे, द ऑर्बिटल अलोंग द लाइज एक्सिस। अलोंग द एक्सिस बोलेंगे, समझ गया बच्चा, डन। यस सर, फिर से ओके बताना। तो सिंपल सी बात है, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, सपोज कर मैं ऐसा बनाया, सपोज कर मैं ऐसा बना रहा हूँ ऐसे, क्या मैंने एक ऑर्बिटल ऐसा बनाया, मतलब क्या ये जो एक्सिस है, मान के चलो ये मेरा एक्सिस है, क्या और आपका ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, ये मेरा एक्सिस है और इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँ इसको, इसको मैं बोलूंगा दिस ऑर्बिटल लाइज ऑन द एक्सिस, क्या बोलूंगा मैं इसको, ऑन द बोलूंगा, ऑन द एक्सिस बोलूंगा, जो आपका ऑन होगा उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, क्या बोलते उसको, एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं, जो आपका दोनों एक्सिस के बीच में होगा, जो ऑर्बिटल आपका दो एक्सिस के बीच में लाइक करता है, हम उसको बोलते हैं ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस, क्या बोलते उसको, अलोंग बोलेंगे, सर पढ़ा बच्चों पाठ, डन। यस सर, यस तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है एंड डी जेड एक्स है, ये क्या होगा, ये आपका द ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस, ये आपका अलोंग द, ये आपका एक्स, ये आपका अलोंग द एक्सिस होगा, और ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई वाई जेड एंड ये क्या बनता है, ये आपके पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सच पढ़ा बच्चों, डन। यस सारे सर, यस सर, बच्चे समझ गए ये पार्ट, यस ओके। सर, यस देखो ये जो क्वेश्चन है, ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ये जो क्वेश्चन है यस, ना, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इस बार जेडब्ल्यू आपका 25 तारीख को आया था, ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, अब सबसे मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वो बताओ मुझे, कम ऑन। ए यस हाइड्रोकार्बन हैविंग द मोलर मास 84 ग्राम पर मोल एंड 85.5 कार्बन बाय मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है वो बड़े बताओ, कम ऑन ट्राई करो, आंसर मत निकालो पर ट्राई करो, इसका आंसर ऑप्शन ये आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, और मैं चाहता हूँ जब मैं बताऊँ इसका आंसर, ये आपका हो होगा, ये आपका हो होगा, और आप बहुत इजीली कर लोगे मुझे पक्का पता है। सबसे पहले ये बताओ हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा यूज करेंगे, मतलब कौन सा माइंड से स्टार्ट करेंगे, पहले वो बताओ, कम ऑन बोलो बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, कम ऑन ट्राई करो। अब देखो अगर जिसको बोला नहीं है वो चैट बॉक्स में आंसर लिखो बच्चों, कोई बात नहीं, जिसको बोला नहीं है वो चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, रुशिल आप बताओगे, रुशिल बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एकदम सही, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे इम्प्रिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम इम्प्रिक फॉर्म यूज करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, इम्प्रिक फॉर्म क्या करते हैं, परसेंटेज को मास में करते हैं है ना, मास को फिर नंबर मोल्स निकालते हैं, तो हम यहाँ पे ना इम्प्रिकल फॉर्मूला का आंसर निकालेंगे एंड आपको इसका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, समझ गए, डन। ओके यस ओके ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पहले वाला क्वेश्चन, यस सर, देखो ये गेन आ गया, ये आपका जे डब्ल्यू में ये आपको 24 को हुआ था, देखो अभी इसका ये, अभी आप ये मत बोलना कि आपसे जेन्यून क्वेश्चन क्यों रहा है, देखो बेसिक बात है क्वेश्चन अगर सिंपल आता है, अगर आपका क्वेश्चन सिंपल आता है और उसे टॉपिक है तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, चाहे वो जेडब्ल्यू हो कि चाहे नीट हो, क्योंकि ना आपको उससे क्वेश्चन आएगा, तो सिंपल सी बात है, जो आपका फोटो वो क्या बात है आपका लाइट का पार्टिकल बता, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आएगा, यहाँ आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समझ गए सारे बच्चों कल पार्ट। यस सर, तो देखो बच्चों आपने ये चीज नोटिस किया होगा, अभी तक हमने जितने पढ़ा है ना, अभी तक हमने यहाँ पे जितने पढ़ा है प्रॉपरली एंट्रेंस वाइज से पढ़ा है, हमने कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया है ना बच्चों, ऐसे नो यस है ना, सर, देखो यस वापस बोलूंगा सर, बच्चों, वापस बोलूंगा बच्चों आप है ना प्रॉपरली इसको ध्यान रखिए है ना, मैं डिफरेंट बोल सकता हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा,
बस आप जो बेसिक फॉर्मूला है उसको प्लीज फॉर्मूला करा, और मैं आशा करूंगा मैं आपको सारा फॉर्मूला। और हाँ, कल क्या करूंगा मैं, कल आपको मैं इफेक्टिव यूनिट चार्ज पढ़ाऊंगा, एंड आपका बाकी जो बचा क्वेश्चन है हम उसको खत्म करेंगे। दो ये वाला क्वेश्चन है, ये सब कल करेंगे, ठीक है ना, ये सब हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए, डन। यस ओके ओके बच्चों, तो यस बच्चों, तो आज के लिए तक काफी है, थैंक यू सो मच, एंड मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, ठीक है।